हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैं आई थी अपने होम टाउन उत्तराखंड और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। जो मेरी रेसिपी है गुजिया की, मैं आपसे शेयर करूँगी। सबका अलग अलग तरीका होता है गुजिया बनाने का। कोई चाशनी वाली बनाता है, कोई नॉर्मल मावा वाली बनाता है, बट मैं जो बनाती हूँ अपने तरीके से, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए आगे का ब्लॉग। सो हम स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। उसके लिए सबसे पहले मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में नारियल हो गया, सौंफ होगी, काजू बादाम, पिस्ता और पम्पकिन सीड्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं ड्राई फ्रूट्स, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी मेरी हेल्प करेंगे गुजिया बनाने में, और वो काफ़ी अच्छी गुजिया बना देते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको मतलब वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं इन चीज़ों में, जो भी अगर मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो। सो यहाँ पे हम अपनी तैयारी में लग चुके हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं गुजिया बनाना, और यहाँ पे हम आटा ले रहे हैं। तो जो मैदा होता है उसमें हम ऐड करेंगे, उसको क्रिस्पीनेस देने के लिए घी का प्रयोग करेंगे। और आप कर सकते हैं कोई भी ऑयल मतलब जैसे रिफाइंड वगैरह, बट मैं हमेशा घी का प्रयोग करती हूँ। तो हमने आटा वगैरह बना के रख लिया था साइड में, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो ड्राई फ्रूट। सो गाइस, यहाँ पे हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे, हल्के रोस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें क्रिस्पीनेस रहती है तो हम रोस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बादाम, मैं वन बाय वन करके ऐड कर रही हूँ। मैंने पहले घी लिया, उसके ऊपर मैंने सारा ये जो भी ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं उनको हम थोड़ा हल्का रोस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं। सो गाइज, आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का ही करना है, क्योंकि फिर क्योंकि इसमें मैंने किशमिस वगैरह ऐड करी है तो वो थोड़ा मतलब जल सकती हैं। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। ऑलमोस्ट ये रोस्ट हो चुका है और हम इसको अब निकाल देंगे अलग प्लेट में। सो गाइस, जो हम मावा लाए थे तो उसको भी हम थोड़ा रोस्ट करेंगे हल्का सा, क्योंकि वो एकदम सॉलिड फॉर्म में होता है, तो थोड़ा उसको मतलब एज अ लिक्विड फॉर्म उसको यूज़ करेंगे, ताकि वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। सो हम यहाँ पे थोड़ा हल्का रोस्ट कर रहे हैं। सो गाइस, जो मैंने गुजिया बनाई थी, कुछ मैंने मावे और ड्राई फ्रूट्स की बनाई थी मिक्सअप करके, और कुछ मैंने सूजी और बाकी ड्राई फ्रूट्स प्लस मावा इसकी बनाई थी। तो दो टाइप की मैंने गुजिया बनाई थी, तो आप देख सकते हैं जो हमारी प्रिपरेशन है वो चल रही है। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं घी, और अभी हम सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। सो गाइज, हमें ध्यान रखना है हम हाई फ्लेम में ना रोस्ट करें सूजी को, लो फ्लेम ही रखें, क्योंकि हाई फ्लेम में रोस्ट करके थोड़ा जो कलर है वो काफ़ी डार्क हो जाता है। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और स्टफिंग के लिए हमने सारा कुछ रेडी कर लिया है, और अब अपन करते हैं तैयारी गुजिया बनाने की।
किया है इलायची पाउडर, और आप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको इलायची अच्छी लगती है। सो यहाँ पे मैं बूरा ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए, और आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं चीनी भी, चीनी को पीस के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नॉर्मल जो मार्केट में बूरा मिलता है मैंने वो ऐड किया है। और यहाँ पे जो हमारी मेकिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, और यहाँ पे हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका। सो गाइज, हमारा आटा भी सेट हो चुका है और अब हम बनाते हैं। सो हम अब बेलना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, साथ ही मैंने ऑयल रख लिया था लो फ्लेम में गरम होने के लिए, और यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो गरम हो चुका है, और आप देख सकते हैं हमने ऐड कर लिए गुजिया, और वन बाय वन हम सारी गुजिया ऐड करेंगे इसमें और लो फ्लेम में ही इसको रखेंगे। सो गाइज, हमारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो गाइज, इसी के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।